हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क आपको निकालनी है किस पर, कॉइल पर, और जो कि किस में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया ये, ठीक है। ये कहाँ से जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ऐसे आपको ये समझना है, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये क्या है आपके पास, साउथ है। इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कोयल बना देते हैं एक इसमें, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोयल ऐसे समझो आप, ये इस तरीके से बनाएंगे हम इसमें, ठीक है। और ये ऐसे, और ये इस तरीके से आप एक रेक्टेंगुलर कोयल इसमें बना सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ज़रा, जब ये रेक्टेंगुलर कोयल आप बना रहे हो, ठीक है, ये जो कोयल आपने बनाई है इसका एंगल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है। इसका जो एंगल है इसके साथ, ये कितना बन रहा है आपके पास, थीटा, ये ध्यान रखना। ये इस तरीके से है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये नीचे वाला जो इसका आर्म है ऐसे है, ऐसे समझ लेना ये, ठीक है। और ये एंगल मैं थीटा बना रहा हूँ, यहाँ थोड़ा इस तरीके से बन गया, इस चीज़ को ऐसे समझना, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो ये एंगल कितना है इसमें, थीटा है, और इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये करंट मूव कर रहा है इसमें, ठीक है। इसको नाम लिख देते हैं, ये AC है और ये आपके पास EDRM हो गई, ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं। अब देखो ज़रा, ये अब आपको ऐसे समझना है कि ये इसमें कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें फोर्सेस की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ इनकी आर्म्स पे, ठीक है। तो मान लो ये वाली जो आर्म है आपके पास EA आर्म में आपको फोर्स निकालनी है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वो कैसे चलता है बताओ ज़रा, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, इस तरीके चलते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से प्लेस करूं कि ये 90 डिग्री इसमें दिखे, किस तरीके से, देखो ज़रा। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर कोयल है, इस तरीके से समझो, ठीक है। ये इसमें इस तरीके से पड़ी हुई है थोड़ी टिल्टेड, ठीक है, कितने एंगल पे इसके साथ, थीटा। देखो जैसे मान लो ये जो पेन है इसको मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, ये ऐसे टिल्टेड पड़ा है। तो ये वाला एंगल कितना है इस प्लेन में, कोयल के इस प्लेन में, और ये मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, ये वाला थीटा एंगल है, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ बनाई है, तो मैं कह रहा हूँ ये ऐसे टिल्टेड पड़ा है। लेकिन मैं अगर इसमें फोर्सेस की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं इस तरीके से समझ लूँ, ये ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाली आर्म जो है, इसको मान लो आप ये EA है, ये वाली कौन सी है, E, और ये वाली क्या है आपके पास, D, और ये क्या है नीचे इधर, A आर्म है, और ये वाली कौन सी थी, C, ठीक है। ये देखो ज़रा, यही चीज़ है, ये वाली E हो गई, ये D हो गई, ये वाली A और ये वाली C, यही है, ठीक है। अब ये ऐसे रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब ध्यान देना ज़रा, करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे है, ऐसे जा रहा है इधर, फिर इधर से इधर डाउनवर्ड, फिर ऐसे मूव कर रहा है, फिर इधर जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब देखना इसमें, अगर ये इस तरीके से प्लेस्ड है, लगाओ ज़रा इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इस वाली आर्म पे लगाओ पहले, EA पे, देखो ज़रा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, और करंट देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये थंब कहाँ आ रहा है, देखो ज़रा अगर ध्यान से देखो, करंट ये वाली फिंगर से करंट जा रहा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, और इस EA आर्म पे फोर्स यानी कि ऐसे लग रही है, आउटवर्ड लग रही है, बाहर की तरफ आ रही है ना, तो क्या बोल दूँ इसको मैं, आउटवर्ड बोल देता हूँ। तो फोर्स कैसे लग रही है यहाँ पर, आउटवर्ड लग रही है, समझ में आई बात। तो यानी कि EA आर्म में जो फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही है, आउटवर्ड लग रही है। तो आउटवर्ड यहाँ पर ये मान लो इसमें आउटवर्ड लग रही है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो इस वाले में भी मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ इस तरीके से दिखाने के लिए, कौन सी फोर्स ये F1। देखो इन दो आर्म्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये टिल्टेड भी होती रहे, ऐसे ऐसे टिल्टेड भी होते रहे, घूमता रहे ये, ठीक है। ये वाली जो ये दो आर्म्स है ना, इनमें तो 90 डिग्री ही रहने वाला है ये वाली चीज़ से, समझ रहे हो इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये देख लो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पड़ा, ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पर, ये देखो EA के साथ अभी टिल्टेड है ये, ठीक है, EA टिल्टेड है ना, ये वाली कोयल टिल्टेड है, तो EA आर्म इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, चाहे ये घूमती भी रहे, ठीक है। ये दोनों आर्म्स क्या बनाएंगे, इसके साथ 90 डिग्री बनाएंगे। तो मेन बात इस तरह एज्यूम करने का क्या कारण था हमारा, कि ये चीज़ आपको समझ में आए, नहीं तो टिल्टेड में आप कन्फ्यूज़ हो जाते कि कैसे हो रही है, ठीक है। तो यानी कि ये चाहे टिल्टेड भी है तब भी ये आउटवर्ड ही लगेगी, ये मान लो ऐसे है तो इसमें फोर्स कैसे लग रही है, ऐसे बाहर की तरफ लग रही है ऐसे, ठीक है। और ऐसे बनाया था मैंने तो फोर्स ऐसे, और नहीं तो ऐसे, अगर टिल्टेड है तो ऐसे लग रही है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। अब देखते हैं इस वाली आर्म में, CD आर्म में देखो ज़रा, ये CD है, ठीक है, CD आर्म ऐसे है, ठीक है, ये जा रहा है करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो फोर्स देखते हैं इसमें भी, देखो कैसे
लगाओ जी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट कहाँ है, ऊपर है, तो करंट ये लो जी ऊपर कर दिया मैंने, करंट ऊपर हो गया, देख लो ध्यान से देखो, करंट ऊपर हो गया, और ये देखो जरा ध्यान से थंब कहाँ जा रहा है मेरा, नीचे जा रहा है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर जा रहा था, करंट इधर कर दिया, और ये थंब देखो नीचे जा रहा है, यानी कि ये कैसे जा रहा है आपके पास अंदर की तरफ, इनवर्ड अगर इसमें देखें हम तो थंब नीचे जा रहा है, तो थंब मतलब नीचे जा रही है, इनवर्ड हो रहा है, तो फोर्स इसमें कैसे लग रही है, इस तरीके से अंदर की तरफ, ठीक है ना, तो मतलब क्या, इस वाली आर्म पे ऐसे फोर्स लग रही है और इस वाली आर्म पे फोर्स ऐसे लग रही है अंदर की तरफ, ठीक है ना, इसका मतलब ये ऐसे होगा, ठीक है ना, घूमेगा इस तरीके से, अभी समझते हैं इस चीज़ को, पहले हम फोर्सेस की बातें कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो फोर्स ही अंदर की तरफ लग रही है, तो इसको मैं बनाऊँ कैसे, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, और ये कौन सी फोर्स है हमारे पास, F2 फोर्स हो गई, बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं, क्लियर हो रही है चीज़, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी, इसके लिए भी अब आपको पता कैसे, इस तरीके से ना एज्यूम करके इसको अब कैसे मानो आप, देखो अब इसको कैसे मानोगे आप, इस तरीके से मान लो ये ऐसे, इस तरीके से ऐसे है, अब इन दो आर्म्स में आपको इस तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा, इन दो आर्म्स के लिए तो कैसे समझ में आ रहा है, ऐसे रखी हमने तो ईजिली समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर फोर्स निकालनी है ना, इसको ऐसे एज्यूम करो, इस तरीके से हैं ये, ठीक है, तो देखो इस तरीके से अगर हैं, ये वाली ऐसे रखी है, ठीक, तो इस तरीके से है तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बताओ, क्योंकि मैं फोर्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मतलब फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, तो वो इसी तरीके से पता चलेगी, देखो क्योंकि आप नहीं रख सकते थंब को और अपना ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ऐसे अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसको ऐसे मान लिया हमने, ठीक है, इसको ऐसे मान लिया। अब देखो जरा ये ED आर्म पे देखते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब देखो करंट अंदर की तरफ, करंट मतलब ऐसे अंदर की तरफ बना दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है, ठीक है, करंट अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स देखो कहाँ लग रही है, फोर्स इधर डाउनवर्ड, कहाँ लग रही है, इधर डाउनवर्ड लग रही है, तो मतलब इसमें कहाँ फोर्स लग रही है, इस तरीके से इसमें अंदर की तरफ बना दूँ ऐसे, ठीक है, ये वाली फोर्स को नाम दे देते हैं हम F3, ठीक है। अब देखो इसमें कईयों में फोर्स ऊपर भी दी हुई है, वो भी समझाता हूँ मैं कैसे, ठीक है, अब इसमें दे देते हैं हम बात, देखो ऊपर ये EDM में करंट ऐसे जा रहा था, तो यानी कि ये AC में ऐसे अंदर बाहर की तरफ आ रहा है करंट, ठीक है, तो करंट कर दो ऐसे बाहर की तरफ, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो ये देखो ज़रा आप ये कहाँ जा रहा है, ये देखो ज़रा, देखो इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से है, ठीक है, करंट ऐसे हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया, ठीक है, तो इसमें अब जो थंब आ रहा है ऊपर आ रहा था, यानी कि फोर्स ऐसे लगेगी ऊपर, यहाँ ऐसे ऊपर लगेगी, ठीक है, तो ये कैसे चल रहा है, इस तरीके से ऊपर, और इसको हम मान लेते हैं F4। अब देखो मैं जो ये कह रहा था कि F3 कहीं में ऐसे ऊपर बनाई हुई है, F4 नीचे बनाई है, वो कैसे, देखो अगर जैसे मैंने तो ये ऐसे ही ले लिया, ठीक है, करंट की मान लो डायरेक्शन अब ऐसे ले लो आप, अगर इसको ऐसे रख दिया तो करंट ऊपर वाले में अब इधर आ रहा है, ठीक है, ऐसे, और नीचे वाले में इधर जा रहा है, देखो अगर ऊपर वाले में देखें हम करंट इस तरफ आ रहा है, तो देखो कैसे करंट इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ठीक है, करंट इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो ये देखो अपवर्ड आ रही है, तो इसमें अपवर्ड आ जाएगी, ठीक है, फ़र्क कोई नहीं पड़ना, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, देखो ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर कैंसिल कर रही है, अगर इसमें ये ऊपर बनती तो इधर वाले में अब देखो क्या हो जाता केस, देखो ये चीज़ हमने अभी बाहर ली, ठीक है, ये बाहर ली, तो ये वाली चीज़ क्या हो रही है, नीचे AC आर्म में अंदर जा रहा है करंट, तो अगर AC आर्म में अंदर करंट जा रहा है तो अंदर के लिए बनाओ, देखो अंदर करंट जा रहा है इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, देखो करंट ऐसे जा रहा है क्योंकि इस तरीके से लिया हमने ऐसे, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ क्या हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है, AC में करंट ऐसे, तो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब देखो कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो, थंब नीचे जा रहा है, अगर इसके हिसाब से देखें ना हम, ठीक है, ऐसे है ना ये, तो थंब इसमें नीचे जा रहा था, यानी कि नीचे लगेगी फोर्स इस तरीके से, तो वो भी कैंसिल आउट करेंगी, ठीक है ना, फोर्सेस, ठीक, तो इसमें भी कैंसिल हो रही हैं, और अगर वो ऊपर बनती दोनों फोर्सेस इस तरीके से, जैसे मान लो ये हमारे पास होता, ठीक है, ये तो F1 लग गई और ये वाली F2 लग गई, ये F1 है, ये F2 है, मैंने आपको बताया कि अगर हम इनकी डायरेक्शंस, मतलब मान लो ऐसे किया हमने इस तरीके से जिसमें करंट इधर जा रहा है, तो इस वाले में इधर जाएगा करंट, तो ये वाली फोर्सेस लगेंगी ऐसे, F3 और F4 इस तरीके से लगेगी, अगर ये ऐसे करके देखोगे आप, इसमें लगाना लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का, कि करंट इसमें ऊपर में ये ED में ऐसे आ रहा है और इस वाले में अंदर जा रहा है इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, देखो ये वाली F3 ऊपर बनेगी और ये वाली F4 नीचे बनेगी, ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल आउट ही करेंगी, क्या बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बताओ ये फोर्सेस का कंसेप्ट समझ में आया, तो अब देखो होगा क्या, इसमें ये जो F3 है और ये F4 है, ये तो कैंसिल आउट करेंगी एक दूसरे को, समझ रहे हो,
और ये जो F1 और F2 है ना, ये कैसी फोर्सेस हैं ये इक्वल फोर्सेस, ठीक है, करंट भी सेम चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है इसमें, ठीक है, तो फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट हैं, ये इधर जा रही है बाहर की तरफ आ रही है और ये अंदर की तरफ, ये आउटवर्ड थी F1 और आउट F2 क्या थी, इनवर्ड थी, तो ये कैसी हैं, इक्वल हैं, अपोजिट हैं और साथ में पैरेलल भी हैं फोर्सेस। देखो पैरेलल कैसे हो गई, देखो मान लो ये ऐसे बाहर की तरफ जा रही है और ये अंदर की तरफ जा रही है तो पैरेलल ही, समझ रहे हो, पैरेलल हो गई, और साथ में क्या है बताओ, ये वाली फोर्सेस F3 और F4, ये क्या है F3 कैसे जा रही है ये आपके पास, वर्टिकली डाउनवर्ड और ये वर्टिकली अपवर्ड, ये दोनों तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को वर्टिकल वाली, लेकिन जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं ये क्या करेंगी, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, F1 और F2 टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। अगर आपको याद हो पैरेलल फोर्सेस ये कहाँ पर आई थी हमारे पास, ये आई थी जब आपने यूनिट फर्स्ट किया था उसमें टॉर्क निकाल ली थी ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है, तो वो फोर्सेस भी क्या थी, इक्वल थी, अपोजिट थी और पैरेलल थी। देखो अपोजिट और पैरेलल हम बोल रहे हैं, या अपोजिट वर्ड काट दो सीधा एंटी पैरेलल बोल लो, ठीक है, एंटी पैरेलल में क्यों, क्योंकि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है डायरेक्शन वाइज एंटी पैरेलल, या फिर ऐसे बोल दो साथ में वर्ड अपोजिट है और पैरेलल है, अपोजिट वर्ड एंटी की वजह से हो गया और पैरेलल, समझ रहे हो, तो इनमें क्या करते हैं फिर हम कहते हैं कि जहाँ पैरेलल फोर्सेज हो जाती हैं और इक्वल होंगी अपोजिट होंगी तो वहाँ प्रोड्यूस क्या होती है, टॉर्क होती है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने इसमें बताया आपको, इधर जो फोर्स लग रही थी वो ऐसे लग रही है अंदर की तरफ और इधर वाले में फोर्स ऐसे बाहर की तरफ, तो यहाँ से बाहर की तरफ लग रही है और यहाँ से अंदर की तरफ, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, समझ रहे हो ना, रोटेट करेगा तो मतलब क्या है, ये टॉर्क, रोटेशन वाली चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, टॉर्क, समझ रहे हो, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगी इसमें, क्या इतनी बात समझ में आई है, तो देखो यही सब लिख रखा है यार इसमें हमने, देखो लेट अ रेक्टेंगुलर कॉयल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इनका एरिया ए होगा, एरिया ए क्यों है, देखो ये वाली लेंथ मान लो एल है, ये वाली और ये वाली क्या है इसकी ब्रेथ हो गई बी, ये बी ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो जाएगा एल इंटू बी, ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है बी में, इन सच अ वे दैट द प्लेन ऑफ कॉयल मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, और प्लेन ऑफ द कॉयल, ये प्लेन ऑफ द कॉयल मान लिया हमने, इसको भी प्लेन ऑफ द कॉयल मान सकते हो, ठीक है, प्लेन ऑफ द कॉयल जो है हमारे पास, देखो ना ये जैसे एक कॉयल है, ठीक है, इसका प्लेन क्या होगा, इसके इस तरीके से, तो इसको भी मान सकते हैं हम प्लेन ऑफ कॉयल, इसको भी मान सकते हैं, तो ये जो है एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको बताया था आपको ये वाली लाइन से, तो एंगल ये थीटा है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और इस प्लेन ऑफ कॉयल के बीच में, इतनी बात याद रखना ये, ठीक है। अब देखो ये जो हमने फोर्सेज निकाल ली हैं इनके मैग्नीट्यूड भी कैसे निकलते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं, फोर्सेज आपको पता है वैल्यू क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड में, वही चीज़ आपने समझी, एक आर्म की बात कर रहे हैं यानी कि एक कंडक्टर, एक वायर की बात समझ लो इसमें, अगर वन वन आर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने अभी निकाल ली थी कितनी होती है वो BIL साइन थीटा, किसी भी कंडक्टर के लिए जो फोर्स होगी वो क्या होगी BIL साइन थीटा होती है, ठीक है। अब देखना जरा इसमें, तो हम सबसे पहले यही बात यहाँ लिख रहे हैं कि वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द आर्म ऑफ द कॉइल, वेरियस आर्म है इसकी, ठीक है, और वेरियस फोर्सेज लगेंगी, इज गिवन बाय, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, इन आर्म EA आर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो EA आर्म में देखो F1 फोर्स लग रही थी और फॉर्मूला आपको बताया मैंने BIL साइन थीटा होता है, अब देखो ये L है और ये BI, ये वाली L हो गया साइन थीटा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B और करंट I मूव कर रहा है इसमें, ठीक है, इतनी बात तो समझ पा रहे हो। अब देखो जरा पहली बात तो है, अब ये जो थीटा है ना, ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है, ये वाला थीटा यहाँ, ठीक है, नाम सेम हो गया लेकिन ये वाले को और इसको आप एक मत समझ लेना, ठीक है, ये थीटा कौन सा है, ये थीटा है इस EA आर्म का, ठीक है, ये और कौन सा है साथ में मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये देखो ये EA आर्म जो थी, ये वाली जो थी, ठीक है, इसका कितना डिग्री हमने माना है इसमें, 90 डिग्री ही रहेगा हमेशा, देखो जैसे मैंने आपको बताया था ये मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड जा रहा है, ठीक है, और ये EA आर्म है, अभी देख लो इसके साथ ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री बन रहा है, अब ये चाहे घूम भी रहा है तब भी ये क्या रहेगा इसके साथ 90 डिग्री रहेगा, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रहने वाला है, 90 डिग्री रहने वाला है, ठीक है, तो ध्यान बस यही रखना है इसमें कि ये वाला जो थीटा मैंने लिया है ये वाला थीटा नहीं है, ये इस आर्म का वाला थीटा है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है, तो यहाँ थीटा कितना है हमें पता है 90 डिग्री है, तो हम लिख देंगे एस थीटा 90 डिग्री होता है और साइन 90 कितना है 1 होता है हमारे पास, ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे साइन 90 की 1, तो कितना आ जाएगा ये BIL, ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी आ गई BIL, और कैसी है ये बताओ, बाहर की तरफ आ रही थी तो हम इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, क्योंकि परपेंडिकुलरली क्यों बोल रहे हैं हम, देखो
ये थी आम, ये वाली थी आम, देखो ई ए ऐसे करंट जा रहा था, ठीक है, और ये फोर्थ ऐसे लग रही थी बाहर की तरफ, तो परपेंडिकुलर ही हुई ना इस वाली आम के लिए, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड यहाँ हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है डायरेक्शन फोर्स की, ठीक है। ऐसे ही अब हम ये वाली वाली आर्म में निकाल लेते हैं, सी डी आर्म में, तो ये कौन सी है, इन आर्म सी डी, ये कौन सी फोर्स है, एफ टू, एफ टू में भी यही होगा बी आई एल साइन थीटा, और इसमें भी देख लो थीटा 90 ही रहने वाला है, तो एज थीटा 90 और साइन 90 कितना होता है आपके पास 1, तो एफ टू भी कितनी आ गई बी आई एल, लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या थी, अब अंदर की तरफ थी इस वाली आर्म में, देखो ये सी डी आर्म थी, इसमें फोर्स ऐसे जा रही थी अंदर की तरफ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ये इनवर्ड हो जाएगी, बताओ दी बात समझ में आ रही है या नहीं। तो दो आम का तो पता चल गया हमें, अब तीसरी की बात करते हैं, तीसरी कौन सी है, ये वाली है ऊपर नीचे वाली बची हमारे पास, ये वाली ए सी और ये आपके पास ई डी, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। देखो इन आर्म ये वाली लेनी है हमें, ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा है तो इसको मैं डी ई आर्म बोल देता हूँ, इन आर्म डी ई बोल देता हूँ, ठीक है। इसमें कौन सी फोर्स थी, एफ थ्री, तो एफ थ्री लिख देते हैं, फॉर्मूला यही है हमारे पास बी आई एल साइन थीटा। अब देखो ज़रा इसमें थीटा जो है वेरी कर रहा है, देखो अगर ध्यान दो आप, ये तो हमने ऐसे एज्यूम कर ली थी कि इस तरीके से मान लो इसमें, ताकि फोर्स की हम डायरेक्शन निकाल पाएँ कि क्या हो रही है, इस तरीके से माननी थी ना हमने इसमें ये, ठीक है, ताकि हम फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकें, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से है, ठीक है, इस टाइम पे, और ये रहा इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लेकिन ये फिक्स नहीं रहने वाला, जैसा इसका तो फिक्स था इन दोनों आर्म्स के लिए, तो ये घूम भी रही थी तब भी ये 90 फिक्स था, लेकिन इनके लिए फिक्स नहीं है, देखो अगर ये वाली कंडीशन है तब तो 90 है, लेकिन जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो देख लो ये ऊपर ई जो डी ई आर्म है इसके बीच में और इसके बीच में एंगल 90 तो रहेगा ही नहीं, ये देख लो ये घूम रही है इस टाइम पे 90 है, लेकिन जब ये टिल्टेड हो रही है घूम रही है तब 90 नहीं रह पा रहा, ठीक है, इसलिए हम थीटा की कोई वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और बार बार कह रहा हूँ ये वाला थीटा मत समझ लेना इसको, ये वाला, ठीक है, वो बात सही है फॉर्मूला में थीटा थीटा ही लिखा होता है, ठीक है, लेकिन ये वाला थीटा नहीं है, ये थीटा कौन से हैं, हम आर्म्स वाले थीटा ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के, ठीक है। और ये जो थीटा है ये कौन सा थीटा है हमारे पास, प्लेन ऑफ दिस कोयल विद दिस मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो इतनी बात को या नहीं, क्लियर है। अब तो एफ थ्री कितना आ गया हमारे पास बी आई एल साइन थीटा, और इसमें जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी हमारे पास, ये देखो कैसी थी, वर्टिकली डाउनवर्ड थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, तो कैंसिल ही हो जानी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इतना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इन आर्म, कौन सी आर्म है, ये वाली हमारे पास ए सी आर्म की बात करते हैं, ए सी आर्म में फोर्स थी एफ फोर और इसमें भी कितना है बी आई एल साइन थीटा, तो ये भी सेम ही बात चलनी है इसमें और इसकी, ठीक है, तो इसके भी थीटा वेरी करेंगे, और ये कैसी है, वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो जाना, कहीं जगह ये अपवर्ड यहाँ लिखा हुआ है और डाउनवर्ड यहाँ लिखा हुआ है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो आपके एज्यूम करने की बात होती है कि आपने कैसे लिया है इसको, ठीक है ना, मैंने इसको ऐसे लिया था ऐसे, ठीक है, ये वाला करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा था, और अगर आप ये वाला बनाना चाहते हो कि एफ थ्री ऊपर जाए तो इसको ऐसे एज्यूम करके चलना, इधर से ये बाहर की तरफ आ रही है, समझ रहे हो ना ये बात, बाहर की तरफ देखो, ये बाहर की तरफ अगर आएगी तो ये ऊपर की तरफ बनेगी फोर्स, कैसे, करंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये देखो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ये फोर्स ऊपर लगेगी, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से, तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये चीज़ मैंने पहले डिस्कस कर ली है आपके साथ, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, कैंसिल आउट करेंगी एक दूसरे को, ये चीज़ आपको पता है। तो ये एफ थ्री और एफ फोर के बारे में हमने यहाँ लिखा भी हुआ है कि एफ थ्री एंड एफ फोर कैसी हैं फोर्सेज, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, सो दे कैंसिल ईच अदर, इक्वल हैं अपोजिट हैं, पैरेलल नहीं है, पैरेलल होती फिर ना कैंसिल करती, ठीक है ना, इक्वल अपोजिट फोर्सेज कैंसिल करेंगी, ठीक है। एफ थ्री और एफ फोर कैसी हैं, इक्वल और अपोजिट है, देखो ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे, समझ रहे हो, इन्हीं में लग रही है इस तरीके से ये, और इसमें क्या हो रहा है, देखो एफ वन एफ टू में, ये मैंने आपको बताया था एफ वन एफ टू कैसी हैं, टू इक्वल हैं, अपोजिट हैं और पैरेलल फोर्सेज हैं, ठीक है, दैट इज़ दे प्रोवाइड टॉर्क, और यानी कि यहाँ क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी, और ये मैंने आपको बताया था अपोजिट यूज़ हो गया है, तो हम एंटी पैरेलल नहीं लिखते हैं, कई बच्चे सोचते हैं तो एंटी पैरेलल है, एक की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, एक की डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे सोचते हो ना आप, एक आउटवर्ड जा रही है, एक इनवर्ड जा रही है, ठीक है, तो वो तो एंटी पैरेलल हो गई, ठीक है, एंटी पैरेलल लिख दो यहाँ, इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेज, तो दे प्रोवाइड टॉर्क, या टू इक्वल और एंटी की जगह अपोजिट आ गया और पैरेलल फोर्सेज दे प्रोवाइड टॉर्क, क्या इतनी बात समझ में आई है इतनी, या नहीं, देखो यही मेन कहानी है, अगर समझ में आ रही है आपको फोर्सेज वाली, फिर आगे चलते हैं, देखो ठीक है,
क्लियर है। अब देखो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये दो फोर्सेस हैं आपके पास F1 और F2, ये कैसी हैं, इक्वल और अपोजिट और पैरेलल फोर्सेस हैं, तो ये टॉर्क प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। अब टॉर्क अगर प्रोवाइड कर रही हैं तो टॉर्क की वैल्यू भी होगी कुछ, वो क्या होगी बताओ जरा, क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, आइदर फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है फॉर्मूला। तो बस टॉर्क इज़ गिवन बाय, यहाँ लिखा हुआ है मैंने पहले से ही, ठीक है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास आइदर फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो आइदर फोर्स कौन सी, देखो दो फोर्स ही थी F1 और F2, यही थी, बाकी F3 F4 तो कैंसिल हो गई, तो F1 F2 में से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। और आपने देखा ही था इनकी वैल्यू सेम ही थी, F1 की भी BIL थी और F2 की भी BIL थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टॉर्क को हम ऐसे टाओ से लिखते हैं, आइदर फोर्स में F1 लिख लेता हूँ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इन दो फोर्सेस के बीच में, अब देखो ज़रा इस चीज़ को समझना। अब देखो मान लो ये मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ से ये ED वाला पार्ट बना रहा हूँ यहाँ, ठीक है, ये ED वाला पार्ट, ये ED वाला पार्ट कैसे था देखो ध्यान से, अगर ये इस तरीके से था आपके पास, ठीक ऐसे था ED, ये ई था और ये डी था, ठीक है। ये मैं आपको अब दिखा रहा हूँ इसका टॉप व्यू, ठीक है, टॉप से कैसे दिखेगा। अब देखो अगर आपको ध्यान हो ये ऐसे पड़ा था ED, ठीक है, और यहाँ पर ये फोर्स F1 ऐसे जा रही थी और F2 ऐसे अंदर की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये F1 ऐसे, अगर E पे लगाऊँ फोर्स F1 ऐसे और F2 ऐसे अंदर की तरफ इस तरीके से, ठीक है, तो वो यहाँ पर बनाऊँगा मैं। यहाँ पर कैसे बनाऊँगा, आप देखो ज़रा, अगर टॉप से देखेंगे हम इसको तो वो फोर्स हमें ऐसे लगेगी देखने में, ये वाली कैसी थी हमारे पास, ये बाहर की तरफ थी फोर्स, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ इस तरीके से ऐसे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, देखो इस तरीके से, और इसमें ये ऐसे बना देता हूँ, टॉप से देखने में इस तरीके से दिखेगी, ये वाली F1 फोर्स और ये वाली F2 फोर्स। अब देखो ज़रा ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है ये किन के बीच में, इन F1 और F2, F1 F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बनेगा, देखो ये वाला और ये मैं N लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल थीटा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो ये एंगल थीटा था, ठीक है, नीचे वाला ये एंगल अगर थीटा है, देखो ये पैरेलल लाइन है और ये ऊपर वाली भी पैरेलल लाइन है और ये लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पर थीटा एंगल है, समझ रहे हो, तो इसके पैरेलल ये ED है ना, AC के पैरेलल ही तो ED होगा, रेक्टेंगुलर है क्योंकि, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल है, तो इस लाइन के साथ इसका जो एंगल है थीटा वही इधर पैरेलल लाइन है जो, उसके साथ भी इसका एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, ये चीज़ समझ में आ रही है, ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, तो ये वही एंगल मैंने थीटा बनाया, ठीक है। और ये हमने क्या किया था इस पर, ये एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर और ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, मतलब इस फोर्स के और इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये EN है, देख लो ना, ये देखो एक फोर्स ऐसे जा रही है, एक फोर्स ऐसे जा रही है, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही बनेगा, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बना, तो EN बना, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, EN लिख दूँ, क्या समझ में आया, बताओ क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। अब देखो F1 की तो वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, BIL है हमारे पास, ठीक है, और साथ में है ये EN, अब EN की वैल्यू नहीं पता, तो EN की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, देखो ये कंसीडर करो ये वाला ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ED में देखो ज़रा, देखो हमें क्या चाहिए, EN की वैल्यू चाहिए, और ये ED कितना है हमारे पास, ये B है, देखो यहाँ से ED कितना था, B था, तो ये B है, ये वैल्यू पता है मुझे, ये B है ED की, ठीक है, ये कितनी है, B वैल्यू है, और EN चाहिए, तो देखो हम कैसे निकालते हैं, इसमें साइन लेना है, कोस लेना है या क्या लेना है, ठीक है। देखो आप पहले ये समझो, ये 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटनिस होती है, यानी कि हाइपोटनिस गिवन है, और ये नीचे वाला क्या है हमारे पास, बेस है, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब ये मत समझना परपेंडिकुलर ये ND है तो यहाँ ND क्यों नहीं लिखा है, F1 और F2 का परपेंडिकुलर तो EN है, मैं इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रेंगल में जो परपेंडिकुलर है वो थीटा के सामने वाला ये ND है, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, यानी कि मुझे बेस निकालना है EN। तो अगर बेस और हाइपोटनिस की बात हो रही है तो कौन सा इसमें लगता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देखो साइन कोस और टेन, नीचे वाले की जरूरत नहीं हमें, ठीक है, तो कोस चाहिए, देखो क्यों चाहिए, हाइपोटनिस निकालनी है, और हाइपोटनिस सॉरी दी हुई है, हाइपोटनिस नहीं निकालनी, हाइपोटनिस तो दी हुई है बी, और हमें बेस निकालना है, ठीक है, तो यही चलेगा कोस थीटा वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या कि कोस थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन में हाइपोटनिस, और बेस कितना है हमारे पास, ये EN है,
और हाइपोटनिस कितनी है इसकी, ये ई डी, और इसको मैं बी लिख सकता हूँ यहाँ पर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ से बी इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी कोस थीटा और ये साथ में ई एन, तो ये ई एन हमें पहले ही पता चल गई। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे आप तो इसको क्या मान लो, सेकेंड, पुट कर दो, पुट सेकेंड इन फर्स्ट। तो देखो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, बी आई एल, और ई एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बी कोस थीटा, ये आ गई वैल्यू। बताओ इतनी समझ में आ रही है कहानी या नहीं? ठीक है, अब देखो ये लेंथ इनटू ब्रेथ आ गया यहाँ। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, इस रेक्टेंगुलर कोयल का एरिया आ गया, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बी इनटू में आई, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो गया, एरिया, ये कोस थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ लिख भी दो आप, एरिया इज इक्वल टू में क्या है, एल इनटू बी है, लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो एरिया लिख दिया यहाँ पर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ? आ रही है तो बताओ क्लियर है। ठीक है, अब देखो ज़रा, अगर ये चीज़ समझ में आ गई आपको, अगर यहाँ जैसे ये रेक्टेंगल कोयल तो एक है, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स हो, क्या हो, n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो क्या होगा, कई सारी कोयल हो तो क्या होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी कोयल्स होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कोयल, तो देखो टॉर्क क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से ये आपके पास टॉर्क आ जाएगी, देखो n मल्टीप्लाई हो जाएगा n बी आई ए कोस थीटा, ये बन जाएगी टॉर्क फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। क्या इतनी बात याद रहेगी या नहीं, बताओ? अब देखो अगर आपको याद हो, ये n आई ए किसका फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू में n आई ए को क्या लिख दूँ मैं, m, और बचा क्या, b, और साथ में cos थीटा। ठीक है, ये याद रख लेना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, m इज इक्वल टू में क्या होता है, एन आई ए होता है। ठीक है, तो एम बी कोस थीटा हो गया। अब जहाँ कोस थीटा आ जाता है, देखो हैं ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, m भी वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, तो जहाँ भी कोस आ जाएगा उसको हम किस में ब्रेक करते हैं, बताओ ज़रा, डॉट में के क्रॉस में, डॉट में होता है। ठीक है, तो टॉर्क यहाँ से क्या आ जाएगी, m डॉट b। अगर यहाँ साइन होता तो क्रॉस में आ जाता, वो भी आएगा अभी, उसका और तरीका होगा। ठीक है, तो ये m डॉट b में आ रहा है, समझ रहे हो, कोस जहाँ भी आता है उसको हम किस में लिखते हैं, डॉट में। ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट किस में होता है, कोस में, और क्रॉस वाला किस में होता है, साइन में होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? ठीक है, अब देखो ज़रा, अब हमने क्या माना है कि लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज़ को समझो, देखो कैसे, ये क्या है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और ये मैंने ई डी आर्म बनाई, ये वाली ई डी आर्म बनाई। ठीक है, अब देखो ये ई डी आर्म जो है एक तरह से प्लेन ऑफ द कोयल ही है। ठीक है, इसका एंगल देखो कितना था यहाँ पर, ये थीटा था, तो मैं यहाँ भी थीटा बना सकता हूँ, अभी समझाता हूँ कैसे। देखो ये ई हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है परपेंडिकुलर ड्रोन, परपेंडिकुलर ड्रोन का मतलब क्या, देखो जैसे ये ई डी है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रोन कैसे, जैसे ये ऐसे इस पर परपेंडिकुलर, या यहाँ परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर हो गया प्लेन ऑफ द कोयल का। ठीक है, उसको यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी वही चीज़ बनने वाली है। ठीक है, इस तरीके से है, तो मैं यहाँ पर उसको कैसे बनाऊँ, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा क्या है, इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रोन ऑन द प्लेन ऑफ द कोयल। ये देखो नॉर्मल, ये प्लेन ऑफ द कोयल है, इस पे ये क्या किया हमने, नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया है, कितना डिग्री है मान लो, ये 90 डिग्री है ये हमारे पास। ठीक है, और ये इसके बीच में एंगल, और किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, ये कितना है हमारे पास, अल्फा है। देखो कैसे, ये प्लेन ऑफ द कोयल पे नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला एंगल हो गया इसमें अल्फा। ठीक है, और ये प्लेन ऑफ द कोयल, इस पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो यानी कि ये कितना एंगल है, 90 डिग्री है, इस ED और ये वाली लाइन के बीच में, ये 90 डिग्री है, और ये थीटा ऊपर तक, बी तक है ये। ठीक है, और ये हो गया अल्फा हमारे पास। कितनी बात समझ में आई है? ठीक है, समझ रहे हो ना ये? ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसी तरीके से ध्यान में देनी है, जैसे ये है हमारे पास। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रोन ऐसे किया है, तो यहाँ ई डी पे किया, तो ई डी पे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो वो चीज़ हमने कर दिया, तो ई डी और इसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, और थीटा किसके बीच में है, ये ई डी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और अल्फा किसके बीच में है, ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये अल्फा एंगल है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी थी हमने कि लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रोन ऑन द प्लेन ऑफ द कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से,
ये अल्फा प्लस थीटा जो है, ये अल्फा प्लस थीटा है, ये कितना है, 9 प्लस थीटा कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू देखो क्या होगी, यहाँ से 90 माइनस अल्फ़ा आ गई, ठीक है। अब देखना ज़रा यहाँ पर, यहाँ जो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू थी वो कितनी थी, एन बी आई ए ये थी, और कोस थीटा था, कोस थीटा, थीटा की जगह मैं लिख दूँ 90 माइनस अल्फ़ा। देखो कोस 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है आपके पास, साइन अल्फ़ा, अगर जैसे आपने पढ़ा होगा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ऐसे ही कोस 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, साइन अल्फ़ा होता है। तो टॉर्क यहाँ से कितना आ गया, देखो एन बी आई ए साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, लेकिन बस ध्यान क्या देना है, यहाँ पर जो ये थीटा एंगल है ये है प्लेन ऑफ द कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और ये जो है एंगल अल्फ़ा ये किसके बीच में है, नॉर्मल ड्रोन जो किया आपने कोयल पे और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में ये चीज़ पर आपको देखनी पड़ेगी कि अगर वहाँ दिया है प्लेन ऑफ द कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर वहाँ दिया है आपको कि नॉर्मल ड्रोन ऑन द प्लेन ऑफ द कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो, अगर ये इसमें साइन में आ गया तो देखो कैसे होगा, अब आपको पता है एन आई ए को हम क्या ले सकते हैं, एम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो टॉर्क इज इक्वल टू, मैं एन आई ए को लिख देता हूँ मैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और साथ में आ गया बी, और ये साथ में आ गया आपके पास साइन अल्फ़ा, ठीक है। और इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे, साइन है तो इसको क्रॉस में लिख सकते हैं हम, टॉर्क इज इक्वल टू मैं एम क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पर डॉट बना था क्योंकि कोस में था, यहाँ किस में, साइन में है, तो ये क्रॉस में आ गया, ठीक है। तो ये डॉट में भी बनती है, ये क्रॉस में भी बनती है टॉर्क, क्लियर है इतनी कहानी, बताओ जी समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। बस एंगल याद रखने हैं, थीटा किसके बीच में है, प्लेन ऑफ द कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और अल्फा किसके बीच में है, प्लेन ऑफ द कोयल पे जो परपेंडिकुलर पड़ा है वो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इधर जो ये थीटा है, ये वाला थीटा बिल्कुल भी ये वाला थीटा नहीं है, जो यहाँ थीटा हो रहा है ये वाला थीटा वो थीटा नहीं है, ये आर्म्स के बीच के एंगल हैं, आर्म्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल हैं, ये थीटा अलग है, ठीक है। रिप्रेजेंट हमने सेम कर रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ आपको, क्लियर है कहानी या नहीं। अब देखो इसके स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस क्या है, देखो इफ़ द कोयल इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोयल पैरेलल हो, पैरेलल कैसे पड़ेगी देख लो, अब आपके पास देखो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, देखो कोयल का प्लेन ये है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैरेलल में होगा, तो कितना एंगल बन रहा है देख लो, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे पड़ा है और प्लेन ऑफ द कोयल भी ऐसे ही पड़ी है, कितना एंगल है देख लो, 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो हम यहाँ थीटा कितना देख देंगे, 0 डिग्री रख सकते हैं, क्लियर। तो लिख देते हैं यहाँ थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अब यहाँ टॉक ये थीटा वाला लिया है क्योंकि स्पेशल केस में, तो ये वाला यूज़ होना है, ठीक है। एन बी आई ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है बताओ जल्दी से, 1 होता है, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो टॉर्क कितनी आ जाएगी यहाँ से, एन बी आई ए, ये मैक्सिमम का केस है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगी यहाँ पर, क्या है ये मैक्सिमम का केस है इस वे में, समझ रहे हो बात को या नहीं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो कैसे, देखो ये ऐसे पड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पड़ा है, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं ऐसे कैसे, इस तरीके से पड़ा होना चाहिए तो मैक्सिमम टॉर्क लगनी चाहिए थी, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो, देखो ऐसे पड़ा हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉयल भी ऐसे पड़ी है, ठीक है। मैक्सिमम का केस यही बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्मूले से भी हमें पता चल रहा है। और ये जो फोर्स लगती है वो 90 पे लगती है, ठीक है। तो फोर्स तो यहाँ भी 90 पे ही लग रही है, देख लो इसके बीच में और इस आम के बीच में तो 90 डिग्री का ही है, और इधर वाली आम और इसके आम के बीच में भी कितना है, 90 डिग्री ही है, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। और प्लेन ऑफ द कोयल के बीच का थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वाला, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कोयल के बीच जो बीच का थीटा है वो 0 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, ठीक है। लेकिन फोर्स उस टाइम पे भी कितना, 90 डिग्री पे ही ना, आर्म्स की अगर देखें हम, समझ रहे हो, ये चीज़ बस क्लियर रहनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टॉर्क का केस बनेगा। अगर हम इसको परपेंडिकुलर कर दें, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसको ऐसे कर दूं मैं कोयल को ऐसे, इस तरीके से मान लो ऐसे, तो 90 डिग्री बन रहा है प्लेन ऑफ द कोयल के बीच में एंगल, देखो ये प्लेन ऑफ द कोयल थी, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा, देख लो, ये देखो ऐसे समझ लो, ये प्लेन ऑफ द कोयल इस तरीके से थी, क्योंकि देखो ऐसे था ना, ये प्लेन ऑफ द कोयल थी और ये ऐसे हो गई अब 90 डिग्री पे, तो थीटा 90 और कोस 90 जीरो होता है, तो ये मिनिमम का केस है, टॉर्क 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इधर
यहाँ लिख देते हैं हम, देट इज़ थीटा कितना है 90 डिग्री, तो टॉर्क कितनी हो जाएगी एन आई या एन बी आई ए कोस 90, और कोस 90 कितना होता है 0 होता है, कोस 90 0, तो ये टोटल टॉर्क कितनी होगी 0। ये किसका केस है, मिनिमम का केस है, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। अब एक चीज़ को ध्यान दो, ये जो मैक्सिमम वाला केस चला ठीक है, अगर यही हम रखें करके मैक्सिमम ही रहे तो क्या होगा, इस केस को हम क्या कहते हैं कि ये हमेशा मैक्सिमम कब रहेगा, फिर जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसको समझते हैं, ज़रा देखो ज़रा, देखो यहाँ नोट में मैंने लिखा हुआ है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जिसमें प्लेन ऑफ द कोयल जो होगा वो हमेशा क्या रहे, पैरेलल रहे मैग्नेटिक फील्ड के, पैरेलल मतलब कैसे 0 डिग्री पे रहे ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज सेट टू बी रेडियल, तो उस केस में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होगा, दैट इज थीटा इज 0, थीटा 0 जहाँ रहेगा हमेशा ही, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा रेडियल होगा। अब इस चीज़ को मैं समझाऊंगा कैसे रेडियल होगा ठीक है, और ये हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट दे दें, हॉर्स शू मैग्नेट भी आपने देखा होगा वो ऐसी होती हैं यू शेप्ड की होती हैं, यू शेप्ड मैग्नेट समझ गए इस तरीके से ठीक है, इधर से भी यू शेप इधर से भी यू शेप, तो ये एक सर्कल सा बना देता है, अगर इसको थोड़ा और पास में रखूँ मैं ऐसे, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा रेडियल बनेगा एक सर्कल की फॉर्म में ठीक है, वो भी बताऊँगा कैसे। यू शेप्ड मैग्नेट होगी, हॉर्स शू मैग्नेट भी इसी तरीके की होती हैं ठीक है, और कनकेव शेप भी इस तरीके से ही होती हैं, और सेमी सिलेंड्रिकल शेप भी इसी तरीके से होती है। सेमी सिलेंड्रिकल शेप देखो कैसे, ये तो आपको पता है ये पूरा एक सिलेंडर होता है ठीक है ना, और अगर इसको हम ब्रेक कर दें ऐसे बीच में से, तो ये ऐसे बनेगा देखो, इधर से ये, इधर से ऐसे, और ये ऐसे इस तरीके से, अगर ये ब्रेक कर दें सिलेंडर और जोड़ेंगे तो सिलेंडर बन जाएगा, तो इसमें भी क्या बनती है हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है ठीक है। मैं समझाता हूँ ये चीज़ कि कैसे, देखो देखो इस पेज पे समझाता हूँ, यहाँ पर देखो एक यू शेप्ड मैग्नेट ले ली, जैसे हमने मान लो ये इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से ले ली, और इधर भी ये ऐसे ठीक है, या इसको आप मान लो कनकेव शेप्ड, जो मर्जी समझ लो ठीक है। अब देखना ज़रा ध्यान से, ये मान लो इधर नॉर्थ है ये साउथ है ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जाती है ठीक है, अगर ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, अगर सिंपल ये नॉर्थ ये साउथ ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता नॉर्थ टू साउथ, ऐसे जाती पैरेलल लाइन से बनती ठीक है, पैरेलल में, लेकिन हमेशा क्या रहेगा थीटा जीरो नहीं रहेगा, ये आपको पता है ठीक है ना। तो इसमें कैसे थीटा जीरो रहता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, रेडियल मतलब सर्कल जैसे होता है ना, सर्कल जैसे ये सर्कल है ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी इसमें ठीक है। तो इसमें क्या होगा अगर इस तरीके से है, देखो जैसे मान लो ये है आपके पास कोयल ऐसे पड़ा हुआ है ये ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा तब भी इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा ये जीरो, ऐसे घूमेगा तब भी जीरो, ऐसे घूमेगा ऐसे घूमेगा ऐसे घूमेगा तो जीरो ही बनाता रहेगा सर्कल में, ये जीरो ही बनाएगा ठीक है, समझ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस तरीके से हैं ठीक। तो वो बनती कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, इसमें आप एग्जांपल क्या लो, मान लो एक सिलेंड्रिकल शेप की कोयल है ठीक है, देखो कोयल कैसी भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर ले सकते हो सिलेंड्रिकल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, क्योंकि ये एरिया पे डिपेंड है, फॉर्मूला एरिया में आया तो एरिया इसका भी होता है ठीक है। तो मान लो ये मैंने इस तरीके से रखी इसमें, अब 3D में समझना, ये हाथ ऐसे मान लो मेरा इधर से हो गया इस तरीके से ठीक है, और एक इधर से ऐसे, तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और बीच में ये रखी है इस तरीके से ठीक है, तो ये व्यू को समझना आप ठीक है। अब एक हाथ से मैं समझाता हूँ, एक हाथ इधर है मेरा, एक ऐसे ही इधर मान लो ठीक है, और ये बीच में ऐसे रखी है ठीक है, तो इसका ये ऊपर वाला व्यू दिख रहा है आपको मान लो ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये ऊपर वाला व्यू दिख रहा है ठीक। तो देखो जो आपको पता है या नहीं, देखो अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ बनेगा, ये साउथ है तो इधर नॉर्थ बनेगा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, तो अब ये जब यहाँ से लाइंस इस तरह जानी थी तो ये पहले इधर साउथ मिल गया इसको, तो ये इधर से निकलेंगी, इधर से जाना है तो ये इस तरीके से निकलेंगी, इस तरीके से इधर से भी साउथ में जाएंगी, इधर से भी साउथ में ही जाएंगी, समझ रहे हो ना। तो ये देखो कैसा बन रहा है, एक सर्कल में कैसा बन गया, एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ये साउथ टू नॉर्थ इस तरीके से जाएंगी ठीक है, अंदर ऐसे ही चलनी है इनको ठीक है, और फिर जब ये इधर जाएंगी फिर अगेन नॉर्थ गई, नॉर्थ से कहाँ जानी है साउथ पे मिलेंगी ठीक है। तो इधर वाली जो लाइंस थी आपकी ठीक है ऑटोमेटिकली किस तरीके से होंगी, देखो ये इस तरीके से निकलनी थी ना, तो ये ऐसे बनेंगी इधर, ये ऐसे बन जाएंगी, ये ऐसे ऐसे, और ये इधर से ये ऐसे, इस तरीके से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर और बनाएं हम तो और भी बन जाएंगे, इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे ठीक है, ऐसे जाएंगी फिर ये ऐसे चल जाएंगी इस तरीके से, तो ये एक सर्कल की फॉर्म में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है आपके पास, समझ रहे हो ना बात को ठीक है। तो ये इस तरीके से ही बनता है, जैसे इसमें इस तरीके से लग रहा है आपको ठीक है, जैसे मान लो ये इस तरीके से डायरेक्शन बन रही है, तो इधर वाली जो ये जा रही है आपके पास ठीक है, इधर से ये इस तरह डायरेक्शन, ये इस तरह है ना, इस तरीके की डायरेक्शन है।
आपके पास, क्योंकि ये नॉर्थ टू साउथ जा रही थी और ये फिर नॉर्थ आपकी नॉर्थ टू साउथ, फिर ये साउथ टू नॉर्थ चलेगी, फिर ये नॉर्थ से कहाँ जाएंगी ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ, इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली बना देंगे, ठीक है। तो ये कैसा बन गया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इस केस में जैसे कोयल यहाँ रखे, अब जैसे ये तो हमारे पास सिलेंड्रिकल थी, ठीक है, मान लो ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पड़ी है इस तरीके से, ठीक है। इस टाइम पर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है सीधा, मान लो, ठीक है, तब भी इसके साथ कितना, जीरो डिग्री एंगल। अब मान लो ये ऐसे घूम गया तो इधर वाली ये वाली लाइनों के साथ भी कितना बना रहा है, ये जीरो डिग्री एंगल। फिर इसके साथ ऐसे घूम रहा है तब भी जीरो डिग्री, ऐसे ऐसे घूमते, तो मतलब हर पोजीशन पे कितना बनाएगा, जीरो डिग्री बनाएगा और मैक्सिमम टॉर्क लेगा। तो इसका मतलब ये किस में पॉसिबल है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में पॉसिबल है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो जहाँ भी ये प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जीरो डिग्री रहे एंगल हमेशा, तो वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में पॉसिबल होता है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी है, ठीक है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अलग से मैंने इसमें आपको बता दी कहानी, समझ में आ रही है चीज़ या नहीं, ठीक है। तो बस ये बहुत ध्यान से समझो, ठीक है, अच्छे से करो, मेन बात आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या है, ठीक है, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।